हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं श्रद्धा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ फेशियल जेल्स के बारे में बताने वाली हूं। पहले हमें सिर्फ एलोवेरा जेल पता था, जो कि काफ़ी फेमस है, ट्रेंडिंग है, आज भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। बट नाउ एलोवेरा के अलावा भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो जेल बेस्ड आपको मिल जाते हैं अपने फेस के लिए, बालों के लिए, बॉडी के लिए, एंड दे आर क्वाइट गुड। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इनके। ये मल्टीपर्पज़ जेल होते हैं। आप इन्हें डायरेक्टली एज अ फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, फेस पैक पे मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, फेशियल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, फेस क्लीनअप जो हम करते हैं, जस्ट लाइक उसमें कुछ होम रेमेडीज़ मिलाकर स्क्रब बना लिया, फेस पैक बना लिया, क्लिंजर बना लिया, मसाजिंग जेल बना लिया, इस तरीके से आप उनसे फेशियल भी कर सकते हैं। ये जो फेशियल जेल्स हैं, इनके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। मेरे पास कुछ 8-10 फेशियल जेल्स हैं यहाँ पे, मैंने नोट डाउन करके रखे हैं, जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी विथ देयर बेनिफिट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑरेंज जेल की। ऑरेंज जेल अलग अलग ब्रांड्स के आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं। ऑरेंज जेल जो होता है, ऑरेंज विटामिन सी, विटामिन ई, एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, एंड एंटी एजिंग का भी काम करता है। अगर आपको कोई एंटी एजिंग वाली इफ़ेक्ट चाहिए एंड आप कोई महंगी सी केमिकल वाली फेस क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, देन आप ऑरेंज जेल यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगी, आप गुड वाइब्स के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, दे आर केमिकल फ्री और बहुत लेस केमिकल है, आप ऐसा बोल सकते हैं। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट, उनके जेल वाले प्रोडक्ट्स खास करके बहुत अच्छे हैं। मैंने एलोवेरा जेल, ऑरेंज जेल एंड कुछ मॉइस्चराइजर्स ट्राई किए हैं उसके, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इट इज़ कम्प्लीटली नॉन प्रमोशनल वीडियो। नेक्स्ट इज हनी जेल, यस, शहद का जेल। सुनने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। शहद बेस्ड ये फेशियल जेल है, आप इसे बालों पे भी यूज़ कर सकते हैं, चेहरे पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि शहद में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं, रेडियंट बनाते हैं, एंड स्किन में जो अनइवन टोन होती है, स्किन टोन जस्ट लाइक यहाँ पे कुछ लोगों के काले होते हैं, इधर ये जो चीज़ें होती है, कहीं कहीं पे काला निशान है, अनइवननेस जो होती है उसे ठीक करने में हेल्प करता है शहद। दैट इज़ रियली गुड ऑप्शन। अगर आप प्योर शहद लगाएंगे तो वो काफ़ी चिपचिपा होता है, आप शहद बेस्ड फेशियल जेल यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। नेक्स्ट फेशियल जेल इज पोमोग्रेनेट। दिस इज अनार का जो जेल आता है आजकल मार्केट में, ये भी एक्ने हैं, ब्रेकआउट्स हैं, पिगमेंटेशन है, इसे दूर करने में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज पपाया जेल। पपाया जेल्स जो है, पपीते का जो जेल है, वो काफ़ी सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है, जस्ट हर्ब्स में मैंने देखा है, एंड कुछ लोकल ब्रांड्स हैं, अमेजोन पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, एंड गुड वाइब्स में तो हैं ही। ये जो है पपीते का जेल, विटामिन ई होता है पपीते में, ढेर सारा विटामिन ई होता है, चाहे आप उसे लगाने में यूज़ करो चाहे खाने में यूज़ करो। पपीता आपको बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन ई प्रोवाइड करता है। अगर आप उसे एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, स्किन ब्राइटनिंग करता है, रेडियंस आ जाता है, एंड समटाइम्स थोड़े बहुत आपका जो सन टैन हो जाती है ना, हल्की हल्की सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये पपाया जेल आपकी सन टैन को दूर करने में भी हेल्प कर। नेक्स्ट इज़ कैलेंडुला। कैलेंडुला जो होता है, गेंदे का फूल होता है। अब आप बोलेंगे कि मैरीगोल्ड गेंदे का फूल है,
गेंदे की फूल के एक अलग वैरायटी है जिसे कैलेंडुला कहते हैं। सो ये जो होता है इसका भी जेल अवेलेबल है आपको मार्केट में। प्रीमेच्योर एजिंग ठीक करने में हेल्प करता है, बालों को शाइनी बनाने में भी हेल्प करता है। सो आप अगर 30 की एज से नीचे हैं एंड आपको एजिंग इफेक्ट दिखाई देने लग गए हैं तो आप कैलेंडुला जेल यूज़ कर सकते हैं। जितने भी जेल्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ सारे अफोर्डेबल हैं, बहुत ज़्यादा हाई रेंजेस के नहीं हैं। सो बिकॉज मैं खुद यूज़ करती हूँ एंड अफोर्डेबल प्राइसेस वाली चीज़ें यूज़ करना मैं अभी प्रेफर करती हूँ, सो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनमें से सारे मैंने यूज़ नहीं किए हैं, मैंने ऑरेंज जेल यूज़ किया है, पपैया जेल मैंने यूज़ किया है। नेक्स्ट इज वाटर मेलन जेल, यस तरबूज का जेल। सो ये आपकी अन इवन स्किन टोन है उसे ठीक करता है। कुछ लोगों की स्किन है ना काफ़ी रफ़ हो जाती है, ऐसे छूने में बहुत खुरदुरी सी लगती है, सो इसके लिए आप वाटर मेलन जेल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्गन जेल, आर्गन ऑयल आपने सुना होगा, आर्गन ऑयल के बेनिफिट्स आपने सुने होंगे। सो उसी आर्गन के जेल्स भी अवेलेबल हैं आपको मार्केट में, आपकी स्किन को डीप हाइड्रेशन देने के लिए, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए आप आर्गन ऑयल, नॉट ऑयल, आर्गन जेल आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से हम आर्गन ऑयल सुनते आ रहे हैं तो मेरे मुँह से वही निकल गया। नेक्स्ट इज रोज हिप। सो मैंने सीरम वाले जो अपना वीडियो उसमें बताया था कि रोज़ हिप सीरम काफ़ी अच्छा है रेगुलर बेसिस के लिए, फॉर नॉर्मल स्किन्स के लिए, बट अगर आप ज़्यादा एज के नहीं हैं एंड आपको फेस सीरम यूज़ करने की अभी इजाज़त नहीं है, आपकी स्किन को फेस सीरम की ज़रूरत नहीं है, देन आप रोज़ हिप बेस्ड जेल यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके स्किन को ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। रोज़ हिप सीरम डज देयर वर्क, वो मैंने यूज़ किया है, स्किन का टेक्सचर काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। सो रोज़ हिप जेल भी बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा इसकी मुझे उम्मीद है। नाउ आप कुछ मिक्स्ड जेल भी ले सकते हैं, ये तो सिर्फ सिंगल इंग्रेडिएंट्स वाली जेल थे, कुछ मिक्स्ड भी अवेलेबल है जस्ट लाइक ऑरेंज प्लस पपाया। सो इसमें आपको ऑरेंज एंड पपीते दोनों का बेनिफिट मिल जाता है। एंड आप ले सकते हैं एलोवेरा प्लस नीम जिसमें ढेर सारे एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, आपके स्किन में कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो आप एलोवेरा प्लस नीम का कॉम्बिनेशन जेल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज एलोवेरा प्लस लेमन। सो लेमन में भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, आपकी स्किन को ब्राइटनेस एंड रेडियंस प्रोवाइड करता है, एंड एलोवेरा में विटामिन ई होता है। सो विटामिन ई एंड विटामिन सी का ग्रेट कॉम्बिनेशन है एलोवेरा प्लस लेमन जेल जो कि मार्केट में अवेलेबल है। नीम प्लस तुलसी, अब दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल है, एंड दोनों ही बैक्टीरिया डैमेज वगैरह से फाइट करने में हेल्प करते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है नीम प्लस तुलसी का जेल, एंड आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाएंगे और अगर डैमेज हो चुका है तो उसे ठीक करने में हेल्प करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रोज प्लस मलबेरी। सो ये जो जेल है ये आपको एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है उससे प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को, पिगमेंटेशंस हैं, डार्क स्पॉट्स पड़े हुए हैं आप उसे ठीक करते हैं। सो दिस इज़ अ मल्टीपर्पज जेल रोज प्लस मलबेरी जेल, ये आप ले सकते हैं। एंड ये जो सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और जो भी मैंने इस वीडियो में बताया उससे जुड़े हुए वीडियोस भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।